पुरानी रंजिश के चलते फर्जी घटना बताकर जेल भिजवाने का लगाया आरोप। जी हां, पुरानी रंजिश के चलते नवरात्रि पूजन स्थल पर कलश स्थापना कार्यक्रम को समाधि लेने का कार्यक्रम बताकर फर्जी मामला बनाते हुए पुलिस को बुलाकर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाते हुए चार सहयोगियों को जेल भिजवाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र आसीवन के ताजपुर निवासी शुभम गोस्वामी पुत्र विनीत गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि दिनांक 25 सितंबर को नवरात्रि के अवसर पर अपने सहयोगियों प्रभात शंकर शुक्ला पुत्र राम बिहारी शुक्ल निवासी ब्रह्मानगर बिठूर जिला कानपुर नगर, सतीश चंद उर्फ चंदन उर्फ राहुल पांडे पुत्र नित्यानंद पांडे निवासी मरौना थाना सफीपुर, शिवकेश दीक्षित पुत्र शिवमूर्ति निवासी बाल खंडेश्वर मंदिर परिसर थाना सफीपुर, मुन्नालाल पांडे पुत्र परशुराम पांडे निवासी मकराना थाना बिछुआ जिला मैनपुरी के सहयोग से 5 फीट मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसमें मां दुर्गा का कलश स्थापना करवाना चाहते थे। बारिश के कारण प्राप्त रीना उपयोग करने मिट्टी में गड्ढों को त्रिपाल व गीली मिट्टी के माध्यम से ढक दिया था। इतने में ही गांव के रहने वाले कमलेश पुत्र रवि नारायण की पूजा स्थल के पास शराब ठेके के कर्मचारी हैं, जिसके शराब ठेके में शराब पीने वाले ग्राहकों के कारण रात्रि में आए दिन कहा सुनी होती है। आकाश सैनी पुत्र इंद्रपाल निवासी ग्राम नाजपुर थाना सिवान कलश स्थापना की पूजा को रात्रि की समाधि। इन लोगों का कहना है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा कर जेल भिजवा देंगे, जिससे पीड़ित और पीड़ित का परिवार बहुत परेशान है। हैरान है कि निकट भविष्य में उपरोक्त लोगों द्वारा पीड़ित और उसके परिवार वालों के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम गोस्वामी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ताजपुर निवासी। क्या मामला है पूरा? मेरा मामला ये है कि मैं भूमि के अंदर 5 फुट गड्ढे के अंदर पूजन कलश स्थापना करने जा रहा था, जो कि बारिश की वजह से हमने फर्चों से उसे ढक दिया था। फर्चों से उस पर तिरपाल डाल दिया था, उस पर हल्की हल्की मिट्टी डाल दी थी ताकि तिरपाल ना उड़े, पानी अंदर ना जाए, और थोड़ा सा खुला था, एक मीटर खुला था, एक डेढ़ फुट खुला था, जो कि अगर बारिश होने लगे तेज से तो हम उसको ढक दें। और पूजा कर रहे थे, हमने अपने हवन करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, 5 ब्राह्मणों को बुलाया, जो कि 4 ब्राह्मणों पे आरोप लगा दिया गया कि इनको समाधि दिलाई गई। हमें कोई समाधि नहीं दिलाई गई, जो कि कोई समाधि नहीं दिलाई गई, और हमें ज़बरदस्ती पुलिस ने हमें फेंस लिया। और हमारे गांव के कमलेश ठेकेदार सनात देवी चरण उर्फ आकाश सैनी सनात इंद्रपाल, इन दोनों लोगों ने मिल करके ये मेरे साथ साजिश रखी थी, जो कि ये गलत फंस जाएं, नाजायज फंस जाएं, और जो लोग 4 लोग बंद हैं जेल में वो नाजायज हैं, एकदम नाजायज हैं, उनका कोई दोष नहीं है। मैंने थाने में चिल्ला के कहा, CO साहब के पास भी चिल्ला के कहा, SDM साहब के पास भी कहा, उनका कोई दोष नहीं है, वो एकदम निर्दोष हैं। और मैंने अपनी इच्छा से कर रहे थे, उन लोगों को हमने पूजा पाठ करने के हवन करवाने के लिए बुलाया था कि कल से नवरात्रि प्रारंभ है और दुर्गा स्थापना है, तो कलश स्थापित कर रहे थे। जिन लोगों ने आपको फंसाया है, क्या उनकी पुरानी रंजिश थी पहले आपसे? हमारी उनकी पुरानी रंजिश थी, उनकी रंजिश ये थी, एक सिद्धनाथ का ऋचा शर्मा का केस था, जो कि उनके भाई को ठेके के मेरे बंगले के बगल में मेरे घर के पास में मार रहे थे। उसका भाई कोमा में चला गया था, तो उसका वीडियो हमने बना लिया था, जो वीडियो हमने उसके बाप और भाई को दे दिया था। अभी आप क्या करेंगे? अभी हम ये चाहते हैं कि इन लोगों ने पुरानी रंजिश की वजह से हमें गलत फंसाया है, निर्दोष फंसाया है, जो लोग फंसे हुए हैं वो गलत हैं, निर्दोष हैं।